हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सपना नासरीन। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। सो आज का जो वीडियो है वो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ कटहल का पुआ। तो चलिए आप लोग को भी दिखाऊंगी कैसे बनाती हूँ, बहुत यूनिक स्टाइल में बनाने वाले हम। तो वीडियो को पूरा देखना और हाँ, शेयर भी ज़रूर कर देना लोगों के साथ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे चैनल से जुड़ जाए। और आप लोग शेयर कीजिएगा तो ही तो और आगे बढ़ेगा ना, तो शेयर कर दीजिए। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। वैसे भी काफ़ी देर हो गया, मुझे लाइव पे भी आना है। अभी बज रहे हैं 4 PM और 4:30, मुझे 6 PM लाइव आना है। तो जल्दी जल्दी मुझे सारा काम करना होगा, तो चलिए हम करते हैं काम स्टार्टेड। सो ये देख रहे हो आप, पके हुए कटहल लिए हमने। अब इसका जो बिया है वो हमें निकालना है, बिच्ची उसको हम निकालेंगे और उसके बाद इसको हमको क्या करना है वो हम आपको दिखाते हैं। तो बहुत अच्छे से आप साफ़ करना, वहाँ पे कुछ मतलब एक क्या बोलते हैं प्लास्टिक समथिंग उस टाइप का भी होता है कटहल में, उसको भी बिल्कुल अच्छे से निकाल लेना। सबको बहुत अच्छे से निकालने के बाद अब मैंने थोड़ा सा चावल रख दिया है पीसने के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर आपके पास आटा, अगर आपके पास बेसन और सूजी ना हो तो आप इस आ सकते हो। तो मैंने एक चावल को पीसा और मेरे पास बेसन भी नहीं है, तो और मैं क्या यूज़ करूँगी वो मैं आपको बताऊँगी। तो मैंने थोड़ा सा ना किशमिश ले लिया था, उसके साथ ही मैंने कटहल को पीस लिया, कटहल और किशमिश दोनों एक साथ, और चावल भी मैंने पीस लिया था। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हम कैसे बनाएंगे। तो जब तक इसको हम फेटेंगे तब तक मैं कढ़ाई चढ़ा देती हूँ गर्म होने के लिए, ताकि अगर कढ़ाई हमारा गर्म हो जाएगा ना तो पुआ बहुत अच्छे से बनेगा। तो ये जितना भी कटहल था वो सबको मैंने डाल लिया है यहाँ पे अच्छी तरीके से। और डाल लेने के बाद हम क्या करेंगे, अब देखिए मेरा गैस भी अच्छे से गर्म हो गया, थोड़ी देर के लिए ऑफ किया था, मतलब कढ़ाई गर्म हो गया है। तो अब हम इसमें तेल डाल रहे हैं। तो आप रेसिपी कैसी लगती है वो कमेंट बॉक्स में बताना, तो फिर मैं कभी कुछ भी बनाऊंगी तो फिर आप लोगों के लिए रेसिपी भी लाऊंगी। तो ये देखिए जितना भी कटहल था सबको मैंने इसमें डाल लिया है। तो अब मैंने पीसा था ना उसको मैंने एक मतलब कि पॉलीथीन में रख दिया था, तो इसको मैं 6-7 चम्मच डाल रही हूँ यहाँ पे ताकि थोड़ी सी कुरकुरी बने। और ये जो है ये पॉलीथीन में है, ये है मैदा, और मैं मैदा और चावल का गुड़ा से ही बनाऊँगी आज पुआ। तो फिर इसको भी मैं डाल रही हूँ ऐसे ही 6-7 चम्मच समथिंग ऐसे ही डाल रहे हैं, 6-7 चम्मच डाल रहे हैं। और फिर थोड़ा सा चीनी डाल रही हूँ, 4-5 चम्मच चीनी डालेंगे और उसके बाद पूरा फेटेंगे अच्छे से। मतलब फेटने का मतलब ऐसा भी नहीं, उसमें थोड़ा सा हम पानी भी ऐड करेंगे बस थोड़ा सा, और इसको फेटते जाएंगे अपने हाथों से, पानी ऐड करके थोड़ा थोड़ा करके फेटेंगे। इससे ज़्यादा गीला भी नहीं करना है और ज़्यादा टाइट भी नहीं करना है, क्योंकि हम पुआ बना रहे हैं तो ज़्यादा गीला भी करेंगे तो नहीं होगा और ज़्यादा टाइट भी करेंगे तो सही नहीं होगा। तो इसको बस मीडियम में रखना है, ना ज़्यादा गीला ना ज़्यादा टाइट। तो अब इसमें थोड़ा सा मैं ये क्या बोलते हैं उसको इलायची के दाने डाल रही हूँ, क्योंकि इलायची पाउडर नहीं है मेरे पास, तो मैं इलायची के दाने डाल के दोबारा से फेट दे रही हूँ। सो ये अब फिट चुका है, अब हम डालेंगे इसको कढ़ाई में। तो देखिए मिक्स बिल्कुल रेडी हो गया। इसको मैं हाथ से ही फेंट रही हूँ, चम्मच से नहीं, क्योंकि हाथ से फेंटने से सही रहता है। और थोड़ा सा सोडा भी डाला अम्मी ने डाला है मेरा सोडा थोड़ा सा, ताकि थोड़ा फूले अच्छे से। तो देखिए सो और भी थोड़ा मिक्स करेंगे, बहुत ज़्यादा ही मिक्स करना पड़ रहा है। तो मिक्स अब हो चुका है, अब हम इसको डालेंगे कढ़ाई में। तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं कि किस तरीके से डालती हूँ मैं कढ़ाई में। और जैसे मैंने जलेबी बनाया था आप लोगों को पता होगा, तो पहले मैं थोड़ा सा बस डाल के चेक कर ले रही हूँ कि ये गर्म हुआ या नहीं। तो ये गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें डालेंगे पुआ। तो ये देखिए मैं इसको ना थोड़ा सा हाथ से भी स्प्रेड कर दूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि पुआ थोड़ी बड़ी बड़ी बने। सो इसीलिए तो मैंने पहले 3 डाले हैं, उसके बाद बाकी डाल के बनाएंगे। तो चलो आपको अच्छे से दिखाते हैं कि 3 डाले हैं किस तरह। थोड़ा सा ना आँच ज़्यादा धीमा नहीं करना, मीडियम आँच कर देना। और मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया है तो बहुत जल्दी जल्दी आपको जाता हुआ दिख रहा होगा, पर ये बहुत जल्दी नहीं पका, थोड़ा टाइम लगा। तो थोड़ा धीमी आँच में पकाइए तो बहुत टेस्टी बनेगा। तो फिर ना मैंने थोड़ा सा वो पिस्ता बादाम उसको भी मिक्स कर दिया, कि थोड़ा उसको भी डाल देते हैं बनाने के लिए। सो ये बिल्कुल देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुका है,
तो गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तो अब हम इसको निकालेंगे। तो ये बहुत अच्छे से पक चुका है, आप ठीक से देखना, अगर पक जाएगा तो ही इसको मतलब निकालना। तो ये पक चुका है तो हम इसको निकाल रहे हैं, और अब मैं डालूँगी चार करके डालूँगी, और इसके बाद ये पक जाएगा। तो सारे पक जाने के बाद थोड़ा सा मैंने ना आप चम्मच से भी डाल रही हूँ, हाथ से चम्मच से दोनों से ही डाल के आपको दिखा रही हूँ अच्छे से, कि आप इस तरीके से, अगर आप हाथ से डालते हो ना तो ज़्यादा बड़ा बड़ा बनता है पुआ। तो अब मैंने चार डाले हैं, ये भी पक चुका है, और कुकिंग ये लास्ट पुआ है, कुकिंग कम्प्लीट मेरा। अब आप देखिए कि कैसा बना है। सो ये मेरा पुआ बनके तैयार है, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और मेरा एक बादाम गिर चुका है नीचे, सो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना, और लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना।